और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। मैनपुरी में सपा और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल रही है। निर्विरोध उम्मीदवारों की मैनपुरी में जीत हुई है। एक सीट पर सपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दो सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। जीत के बाद उम्मीदवारों ने खुशी का इजहार किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सपा के गढ़ मैनपुरी से, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। एक सीट पर सपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दो सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है और उनका चयन निर्विरोध के उम्मीदवार के तौर पर हुआ है। जीत के बाद उम्मीदवारों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साथ ही सपा उम्मीदवारों का कहना है कि एक सीट पर ही अभी हम जीते हैं, लेकिन अन्य सीटों पर भी हमारे उम्मीदवार जीतेंगे अगर बीजेपी की मनमानी के सामने प्रशासन ने घुटने नहीं टेके। जिला पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, उनमें मैनपुरी के ये नतीजे हम बता रहे हैं आपको, जहां पर एक सीट पर सपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और दो सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव जिनके नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। ताज़ा जानकारी लेकर हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मैनपुरी के नतीजे हैं, जहां पर एक सीट पर सपा उम्मीदवार की निर्विरोध जीत हुई है और दो सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार ने निर्विरोध जीत दर्ज की है।